नमस्कार, स्टडी मटेरियल्स में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग यहाँ पर कुछ अपडेट्स जो शिक्षक वैकेंसी से जुड़े हुए और आपका जेपीएससी से जुड़े हुए आए हुए हैं उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। क्या कुछ खुशखबरी है हम सभी जो तैयारी में जुड़े शिक्षक के और जेपीएससी के उसके लिए उसको हम लोग देखेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आप तक नए नए अपडेट्स जो है बिल्कुल फ्री में पहुंचते रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे स्पष्ट हो गया है कि आपका 11वीं जेपीएससी की प्रक्रिया जो है इसी माह में आपका से होगा, अर्थात यह जो जून चल रहा है जून माह से ही आपका 11वीं जेपीएससी का परीक्षा का प्रक्रिया जो स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें जो पद होंगे वह कितने होंगे, तो 200 पद होंगे आपका इसमें क्या है, 200 पद आपका होने वाले हैं। आपका यहाँ पे लिस्ट दिया गया है कि कौन सा जेपीएससी में कितना आपका पोस्ट कितने दिन में उन्होंने जो कंप्लीट किया है उसको यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसके साथ साथ यह भी बताते चलूँ कि आपका राज्य में 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति भी होगी शुरू, और इसी मंथ में आपका 26,000 आपका शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। यह जो 26,000 नियुक्ति होना है वह आपका प्राथमिक स्कूलों में होना है, यह जो 26,000 नियुक्ति होना है वह प्राथमिक स्कूलों में होना है। और इस जो पहले से आपका जो जेटेट पास किए हैं वही अभी तक जो अधिसूचना आ रहा है वह इसमें वही सम्मिलित हो सकते हैं जो पहले से जेटेट क्या है पास कर चुके हैं। इसके साथ साथ अन्य खुशखबरी है कि आपका हाई स्कूल और प्लस टू में भी शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। हम लोग देखेंगे यहाँ कि हाई स्कूल में आपका कितने शिक्षक की नियुक्ति होनी है और प्लस टू में कितने शिक्षक की नियुक्ति होनी है। इससे पहले इसको हम लोग डिटेल से जान लेते हैं। तो देखिए, राज्य सरकार लंबे समय से लंबित जो प्रारंभिक शिक्षकों में 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी इसी महीने शुरू कर सकती है। आपका स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग जेपीएससी की अधियाचना भेजेगा, जेपीएससी इसी महीने नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की विज्ञापन जारी करेगा। इसमें टेट पास और प्रशैक्षणिक योग्यताधारी आपका अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे। अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा से गुजरना होगा, और इसको क्या करना होगा, जो टेट पास अभ्यर्थी हैं उसके लिए आपका लिखित परीक्षा होगा, और लिखित परीक्षा में पास होने के बाद हम लोग देखते हैं क्या है, उसके बाद आपको मेरिट लिस्ट वगैरह बनाया जाएगा। अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा से गुजरना होगा। 26,000 पदों में आगे पद सहायक अध्यापक जो पारा शिक्षक के लिए आरक्षित हैं। राज्य के जो आपका टेट के पास करीब जो आपका जो इतना विद्यार्थी है आपका वह भी इसमें क्या होंगे, सम्मिलित हो पाएंगे। इसके साथ साथ यह भी बताते चलूँ कि आपका हाई और प्लस टू स्कूलों में भी शिक्षक नियुक्ति होनी है। तो यहाँ देखिए, आपका प्रारंभिक विद्यालयों के साथ हाई और प्लस टू स्कूलों में भी शिक्षक बहाल होंगे, इस पर भी मंथन हो रहा है। करीब 8,000 जो है शिक्षक नियुक्ति जो है हाई स्कूल में आपका होगा, करीब कितने 8,000 शिक्षक नियुक्ति हाई स्कूल में होना है, व आपका 3,500 जो है नियुक्ति प्लस टू में होने वाला है। 3,500 नियुक्ति किस में होगा, आपका प्लस टू में होने वाला है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए भी आपका 3,200 नियुक्ति होनी है, और आपका विशेष जो आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उसके लिए भी नियुक्ति होनी है। इसके साथ साथ कस्तूरबा गांधी का कुछ अपडेट आया हुआ है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्या कुछ कस्तूरबा गांधी के विद्यालय को लेकर के अपडेट आया है, क्या नियमावली बना है? तो देखिए, यहाँ कस्तूरबा के सभी सीट जो हैं अब क्या है, महिलाओं के लिए क्या कर दिया गया है, आरक्षित कर दिया गया है। अब जो है पुरुष कैंडिडेट जो है कस्तूरबा विद्यालय में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, यह जो है नियमावली बन रहा है आपका। यहाँ पे देखिए, स्पष्ट कर दिया गया है कि राज्य में कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आरक्षण प्रावधान में क्या है बदलाव होगा, इसमें क्या है बदलाव होगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा पहली बार विद्यालय में शिक्षकों की अस्थायी नियुक्ति के लिए नियमावली बनाई जा रही है। प्रावधान के अनुरूप विद्यालय में सिर्फ महिला शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, केवल क्या है अब महिला शिक्षकों की ही नियुक्ति की जाएगी। ऐसे में नियुक्ति को लेकर वर्तमान आरक्षण प्रावधान में बदलाव होगा, और शिक्षा विभाग द्वारा कार्मिक विभाग को नियमावली भेजी गई थी, कार्मिक विभाग ने फाइल को लौटा दिया है। नियमावली में
किए गए प्रावधान के अनुरूप राज्य में वर्तमान में प्रभावी आरक्षण प्रावधान में बदलाव करना होगा। प्रभाव जो प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है और इसके लिए प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है, इसके बाद कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। आपका राज्य सरकार के प्रभावी आरक्षण नीति के तहत अलग अलग वर्ग की महिलाओं के लिए कोटी आरक्षित होगी आपका, और पर क्या है 100% सीट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी आपका। राज्य में 203 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है। इसके अलावा 57 झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय है। इन विद्यालयों में शिक्षकों की अस्थायी नियुक्ति की जाएगी। इन विद्यालयों में अब तक अनुबंध पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है। तो इस तरह बहुत बड़ा खुशखबरी है आपका, कस्तूरबा विद्यालय में भी आपका शिक्षक पद के लिए नियुक्ति होना है। और यहाँ पे देखिए एक विद्यालय में 11 पद है स्वीकृत, एक जो कस्तूरबा विद्यालय होंगे उसमें 11 पद स्वीकृत है। यहाँ पे कितने स्कूल है यहाँ पे दिए हुए, आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना शिक्षक की वैकेंसी आने वाली है। आपका कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में 11 पद सृजित है। विद्यालय में शिक्षकों के पद का सृजन प्लस टू विद्यालय के तर्ज पर किया जाएगा। और आपका जो शिक्षक का जो बहाली इसमें किया जाएगा किसके तर्ज पे, तो प्लस टू विद्यालय के तर्ज पे किया जाएगा। नियुक्ति परीक्षा भी प्लस टू विद्यालय के तर्ज पर ही होगा आपका। अस्थायी नियुक्ति में विद्यालय में पूर्व से कार्यरत शिक्षकों के 50% आरक्षण मिलेगा, और अस्थायी नियुक्ति में जो पूर्व से कार्यरत है विद्यालय में उसको 50% का आरक्षण भी मिलने वाला है आपका। राज्य स्तरीय होगा शिक्षकों का केडर, और आपका जो यह परीक्षा होगा या जो नियुक्ति होगा वह क्या होगा, राज्य स्तरीय आपका होगा। आपका कस्तूरबा विद्यालय के शिक्षकों के केडर राज्य स्तरीय होगा। नियुक्ति परीक्षा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लिया जाएगा आपका। इनमें जो प्रश्न पूछा जाएगा वह स्नातकोत्तर स्तरीय प्रश्न इसमें पूछा जाएगा। इसमें जो आपका प्रश्न होगा वह क्या होगा, स्नातकोत्तर स्तरीय आपका होगा। और यहाँ पे देखिए मेंशन है कि अंतर विभागीय समिति में होगा विचार, और राज्य में जो कस्तूरबा स्कूल के साथ साथ मॉडल स्कूल भी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नियमावली क्या है बनाई जा रही है। विद्यालयों में नियुक्ति के लिए पहली बार नियमावली बनाई जा रही है, ऐसे में इसके लिए एक अंतर विभागीय समिति का गठन किया जाएंगे और आपका समिति में नियमावली के प्रावधान को देखेंगे। समिति में आपका शिक्षा विभाग के अलावा कार्मिक वित्त व विधि विभाग के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। मॉडल स्कूल में अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, परीक्षा अंग्रेजी में ली जाएगी। तो यह सब विशेष निकल करके आपका आया हुआ है। अगर इससे आप जुड़े हुए हैं शिक्षक नियुक्ति के अपडेट्स जो है आपका वह हम लोगों ने यहाँ पर देखा। ओके थैंक यू। यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।